आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण जानकारी को प्राप्त करने जा रहे हैं कि यीशु मसीह ने यरीहो में यरदन नदी में बपतिस्मा क्यों लिया और क्या संबंध है यरीहो शहर का यीशु मसीह से। प्रेज़ द लॉर्ड, मैं हूँ वर्षा और एक बार फिर से आपके लिए एक और जानकारी को लेके आई हूँ और ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और परमेश्वर की आशीष को प्राप्त कीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यहोशू ने यहीं पर अपने डेरे को डाला, एलिय्याह का स्वर्ग आरोहण भी इसी जगह से हुआ और एलीशा ने बड़े आश्चर्य कर्म इस जगह पर किए। इस फोटो में आप देख सकते हैं जॉर्डन रिवर और बैतानी, जो बैतनिया कहलाता था, उसका ईस्ट ऑफ द जॉर्डन, उसका पूर्वी भाग। किंग जेम्स वर्जन और न्यू किंग जेम्स वर्जन में दोनों जगह में लिखा है, दीज थिंग्स वर डन इन बेतबारा बियॉन्ड द जॉर्डन वेयर जॉन वॉज बैप्टाइजिंग। यहाँ पर एक नाम आया है बेतबारा, जिसका अर्थ है अलमकदस। ये जगह जॉर्डन देश और इज़राइल देश के मध्य में स्थित है और यहीं पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, जैसे कि यूहन्ना 1:28 में लिखा है कि ये बातें यरदन पार बैतनिय्याह में हुई। और यरीहो जो आप इस फोटो में देख रहे हैं वो अंदर है और बेतबारा बाहर है, और यरदन पार बैतनिय्याह में हुई। बेतबारा तक बैतनिय्याह जाता था और इस पद के अलग अलग वर्जन हैं। यहाँ पे लिखा है जॉन सेड दिस एज ही वॉज बैप्टाइजिंग ईस्ट ऑफ द जॉर्डन रिवर इन बैतानी, बैतनिय्याह यरदन पार के पूर्व की ओर। और जैसे हम जानते कि नाजरत से यीशु मसीह बपतिस्मा लेने बेतबारा, जो कि पार यरदन था, वहाँ पर आए थे, हम सब जानते हैं। जैसा मत्ती 3:13 में लिखा है, आप देख सकते हैं नाजरत से वो यूहन्ना के पास बपतिस्मा लेने आए और हमने आगे देखा कि यूहन्ना कहाँ बपतिस्मा देता था। मत्ती 3 में आप यूहन्ना के विषय में अधिकाई से पढ़ सकते हैं कि वो कहाँ पर बपतिस्मा देता था, क्या खाता था, कहाँ पर रहता था, और उसने अपने बपतिस्मा देने को चुना। और यूहन्ना की अद्भुत गवाही कि वो यीशु मसीह से पहले इस दुनिया में आया और उसने सेवकाई को शुरू किया और उसके माता पिता ने उसको यरूशलेम मंदिर में, जब वो याजक का काम करता था, वहाँ पर जिब्राइल स्वर्गदूत ने उसके आने की बात को कहा और फिर उसके जन्म हुआ, उसका नाम रखा गया और वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था और वो जंगल में रहा करता था, वन मधु खाया करता था। और उसने पवित्र नदी यरदन में बपतिस्मा देना शुरू किया। और क्यों उसने यरदन नदी में ही यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया, आज हम इस खास वीडियो में उसकी जानकारी को प्राप्त करेंगे। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने लगा तो लोग उसकी सुनते थे और इज़राइल के 12 गोत्रों में से हर जगह से लोग आकर उससे बपतिस्मा लेते थे। और उसने उन्हें बोला कि हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जताया कि तुम आने वाले क्रोध से भागो, परमेश्वर की योग्य फल लाओ, मन फिराओ और अपने अधर्म के कामों को छोड़ो। और लोग पश्चाताप करके उससे बपतिस्मा लेते थे। उसने उनसे कहा कि ये ना सोचो कि तुम परमेश्वर के पुत्र हो, परमेश्वर की संतान हो, क्योंकि परमेश्वर इन पत्थरों से संतान उत्पन्न कर सकता है। और जब उसने यीशु मसीह को देखा तो उसने इस बात को कोट किया कि जगत का मेमना है, परमेश्वर का पुत्र है जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। और उसने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और कबूतर की नई पवित्र आत्मा उस पर उतरा। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये वही स्थान है जहाँ पर यूहन्ना ने यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया था। आज हम पूरी जानकारी इस विषय में प्राप्त करेंगे। और एक बड़ा आश्चर्य क्रम यहोशू 4 अध्याय में हुआ है, इसकी पहली वीडियो में हमने सब कुछ बताया है, आप उसे देख सकते हैं और अपने बाइबल अध्ययन को कर सकते हैं ताकि आप बातों को समझ सकें। और यरदन का पानी रुक गया था और इसराइली ने यरीहो शहर में प्रवेश किया। इस फोटो में आप देख सकते हैं कि कहाँ पर यहोशू ने कैंप को डाला और कहाँ पर इसराइलियों ने यरदन नदी को पार किया और उसके बाद वो पार करके यरीहो शहर में आए, गिलगाल में वहाँ पर रहे। और उसके आगे की सारी कहानी आपको पता है कि किस तरह से ये यरीहो की दीवार का पतन हुआ। और आइए हम उस तरफ चलते हैं जहाँ पर यीशु मसीह का बपतिस्मा
यहुन्ना के द्वारा हुआ, और ये खास वो यर्दन नदी है। और यर्दन नदी की विशेषता, यर्दन नदी की जानकारी हमने पहली वीडियो में दी, आप ज़रूर से देखिएगा कि गलील के झील से होती हुई यर्दन नदी मृत सागर में मिलती है। और पेदबारा, जिसके विषय में आगे हमने जानकारी प्राप्त करी, बेतनिया के पार जॉर्डन में अलमकदस जो कहलाती है, वहाँ पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। और जैसा लोग मानते हैं कि इस समय का यर्दन का पानी बस यहीं तक है जो आप देख रहे हैं और इसके आगे नहीं है, इसीलिए बहुत से लोग इस जगह को मानते हैं कि यहीं पर यीशु मसीह का बपतिस्मा यूहन्ना के द्वारा हुआ। लेकिन आज की इस खास वीडियो में हमने जाना कि यीशु मसीह का बपतिस्मा यर्दन पार बेतनिया में हुआ, जो कि जॉर्डन शहर और इजरायली शहर के बीच का जगह है। और पार शब्द आया है जो कि हमने आगे उसकी स्टडी की है, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देता था बेतबारा में। और ये वो बेतबारा है यहाँ पर यीशु मसीह का असली में बपतिस्मा हुआ, और यहीं जंगलों में यूहन्ना रहा करता था और यहीं पर वो बपतिस्मा देता था। और उसके बाद वो यीशु मसीह के बपतिस्मे के बाद वो शालेम और एनोन में बपतिस्मा देने लगा। यूहन्ना में इस बात का जिक्र है, बाइबल में लिखा हुआ है। और जैसा कि हमने आगे आपको बताया कि यर्दन पार और बेतबारा वो जगह थी जहाँ पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। यीशु मसीह से जुड़ी हुई ज़्यादातर जगहें, चाहे वो बैतलहम हो, यरूशलेम हो, नाजरत हो, काना हो, यरीहो हो, वो सब वेस्ट साइड में है। लेकिन ईस्ट साइड में, जैसा हमने देखा, पूर्व की ओर बेतबारा में यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ। और यूहन्ना भी इसी जगह पर बपतिस्मा देता था, क्योंकि उस समय पर लोग परमेश्वर की व्यवस्था को भूल चुके थे। और यही वो जगह है जहाँ पर यूहन्ना ने यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में पहचाना। और आज हम जानेंगे कि ये जगह इतनी खास क्यों है। जब एलिया का स्वर्ग आरोहण हुआ तो वो यर्दन पार करके गया, जैसा कि हमने पहली वीडियो में देखा कि उसने अपनी चादर को यर्दन में मारा और यर्दन दो भाग हो गई, और वो उतर के वहीं से उसका स्वर्ग आरोहण हुआ। अग्नि में रथ वहाँ पर आए और मूसा ने माउंट नीबो पे खड़े होकर यरीहो शहर से वो सब कुछ देखा जो परमेश्वर ने उसको दिखाया। और इतना उम्र का होने पर भी उसकी आंखें धुंधली नहीं पड़ी थी, और उसने आत्मिक आंखों से परमेश्वर का वो जगह देखी जहाँ पर परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी अपने लोगों को देने की। और इतनी दूर का उसने देखा क्योंकि परमेश्वर ने उसकी आत्मिक आँखें खोल दी थी, इसलिए उसने इतनी दूर का देखा। और वो उस जगह को देखकर आनंदित हुआ जो परमेश्वर ने अपने लोगों को देने की प्रतिज्ञा की थी। वो प्रतिज्ञा का देश प्रत्यक्ष रूप में तो नहीं जा पाया, परंतु अप्रत्यक्ष रूप में वहाँ जा पाया। और उसने यरीहो शहर को देखा, इसलिए देखा क्योंकि यहीं पर यीशु मसीह को बपतिस्मा लेना था, आना था। और आज हम इस यरीहो शहर की, इस जगह की खास बात को देखेंगे। ये वो शहर है जो सबसे पहले दुनिया में बसाया गया शहर है, और आदम की वंशावली ने यहाँ पर अपने वंश के साथ इस शहर को बसाया। और एलिया पर परमेश्वर के आत्मा का कार्य था, और वो परमेश्वर की आत्मा की सामर्थ में भरा रहता था। और वही एलिया की आत्मा यूहन्ना के ऊपर आई, और जहाँ से एलिया उठाया गया था वहीं पर यूहन्ना ने अपने बपतिस्मा देने के कार्य को शुरू किया, जो कि यहाँ पर है। अब यहाँ पर यर्दन का पानी नहीं आता, पर उस समय पर यर्दन इतनी ओवरफ्लो बहती थी और यहाँ पर जल ही जल था। आज लोग इस जगह को विज़िट करने जाते हैं, पहले लोग नहीं मानते थे इस जगह को, लेकिन अब जब यहाँ पर खुदाई की गई तब पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़ी चीज़ थी जहाँ पर यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया था। और ये वो जगह है जहाँ पर एलिया स्वर्ग की ओर उठाया गया और यहोशू ने यहीं पर अपने डेरे को डाला। और जैसे मैं बता रही हूँ कि यूहन्ना पर एलिया की आत्मा थी, इसीलिए वो इसी जगह पर घूमता रहता था। और यहीं पर यूहन्ना ने यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के स्वरूप में उसको पहचाना, और मूसा ने भी अप्रत्यक्ष रूप में इस जगह को देखा और वो बहुत खुश हुआ देखकर। और आपको बता दूं कि यरीहो ही वो ऐसा शहर है जहाँ पर यीशु मसीह की 40 दिन शैतान ने परीक्षा की, और इसी जंगलों में 40 दिन यीशु मसीह रहे और शैतान ने अलग अलग जगहों पर उसकी परीक्षा की। बहुत ही खास जगह है ये, और जैसे मैंने बताया कि बहुत प्राचीन शहर
दुनिया का पहली सिटी है ये। और आदम को जब बदन की वाटिका से निकाल दिया गया था तो वो पृथ्वी पर खेती किसानी करने वाला बना, और खेती किसानी करने के लिए जल चाहिए होता है, और वो जल यरदन नदी में से निकल कर आता था। और उस समय पर पृथ्वी एकदम बदली तरीके से थी, और जब जल प्रलय हुआ तो पृथ्वी के आकार में बदलाव हुआ। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके की दिखती थी यीशु मसीह के समय पर। यहाँ पर बहुत सा जल हुआ करता था। कई दंगों के, कई फसाद के बाद, भूकंप के बाद अब यहाँ पर यरदन का पानी नहीं आता, लेकिन यीशु मसीह के समय तक यहाँ पर बहुत पानी होता था और यरदन बहुत दया से बहती थी, ओवरफ्लो बहती थी। और यहूना के बंदी बनाने के बाद यीशु मसीह इस जगह पर आए और उनके चेले यहाँ पर बपतिस्मा देने लगे, जैसे यीशु मसीह नहीं देते थे पर उनके चेले बपतिस्मा देते थे। और ये जगह जंगल से और बिल्कुल उन चीज़ों से मेल खाती है जो बाइबल में लिखे हैं, जहाँ पर यहूना रहता था। और यीशु मसीह ने यहाँ पर बपतिस्मा लिया, यहीं पर कबूतर की नाई आकाश उनके ऊपर खुल गया, उन्होंने आकाश को खुलते हुए देखा। यहाँ से एलिया स्वर्ग की ओर उठाया गया था और कबूतर की नाई पवित्र आत्मा यीशु मसीह के ऊपर आया और ठहर गया। तो ये सब बातें एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं। और मूसा और एलिया का यीशु मसीह से बड़ा गहरा संबंध है, क्योंकि वो जब बपतिस्मे के बाद फिर से गलील में गए तो वहाँ पर उनका रूपांतरण हुआ और मूसा और एलिया उनके साथ बात करने के लिए आए। और यीशु मसीह को इस जगह पर आना था क्योंकि यहाँ पर यीशु मसीह को तैयार होना था उन सब वाचाओं के लिए, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र थे और जो बातें और लोग हार गए थे, चाहे वो आदम हो चाहे वो कोई भी हो, उसको यीशु मसीह ने यहाँ पर पूरा किया। इसी जगह से वाचा का संदूक यरूशलम में लाया गया, यरीहो में लाया गया, गिलगाल में रखा। और ऐसे हम जानते हैं कि किस तरीके से दाऊद के द्वारा, सुलेमान के द्वारा वाचा का संदूक परमेश्वर के भवन तक पहुंचा। ये चर्च है सेंट जॉन द बैप्टिस्ट ऑर्थोडॉक्स चर्च है, ये ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। और यहाँ पर बपतिस्मा लेने से पहले आज के ज़माने में लोग जाते हैं, चैपल अटेंड करते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं और उसके बाद इस जगह पर बपतिस्मा लेते हैं। तो लोग मानते हैं कि यरदन में इस जगह पर बपतिस्मा होता है। ये सेंट जॉन चर्च है और ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च। और इसके अंदर वो तमाम घटनाएं, वो एलिया का स्वर्गारोहण, यहूना के कार्य और यहूना बपतिस्मा यीशु मसीह को दिया, वो सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ से एलिया स्वर्ग में उठाया गया ऐसा माना जाता है। और ये यरदन पार करके जब इजरायली आए यहोशू के द्वारा, तो उन्होंने 12 पत्थर वो स्मृति के लिए उठाए थे। और यहोशू ने वो 12 पत्थर जो उठाए थे उसको आगे के लिए उसने रखा, ताकि लोग आने वाली पीढ़ियां इस चीज़ को समझ सकें। और वो गिलगाल की तरफ चले गए और उसने 12 पत्थर जहाँ पर वाचा का संदूक उठाए हुए लोग याजक थे वहाँ पर डाल दिए। और ये 12 का अर्थ मैं आपको समझा दूँ, ये 12 का अर्थ है, जो 12 पत्थर उसने वहाँ से उठाए वो इज़राइल के 12 गोत्र थे, और जो 12 पत्थर उसने यरदन नदी में खड़े कराए वो यीशु मसीह के 12 चेले थे। और ये बहुत ही अद्भुत बात है, आज लोग इस जगह पर आते हैं, यहाँ से बपतिस्मा लेते हैं। और ये इधर और उधर की साइड है जहाँ से ये माना जाता है कि यहोशू ने यरदन को पार किया था, यरदन रुक गई और उल्टी वही, ये वो जगह है। लोग इसी जगह पर अब बपतिस्मे को लेते हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया, बैतनिया के पार यरदन, वहाँ पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, ये वो जगह है बैतनिया के पार यरदन। यहाँ तक यरदन उस समय पर आती थी, वो भी यरदन है जो आप ये देख रहे हैं। और यरदन उस समय पर बहुत बड़ी हुआ करती थी,
यहाँ तक बहती थी यर्दन। इस बात के अब बहुत बड़े सबूत मिले हैं कि यर्दन का फ्लो उस समय पर बहुत ज़्यादा था और यहाँ पर कई दंगे हुए हैं, 6 डेज वॉर और भूकंप की वजह से। और बहुत समय पहले यर्दन का रुख भी बदला गया था, जैसे कि हम जानते हैं कि इतनी पुरानी बात है ये, इसीलिए यर्दन अब काफ़ी बदल चुकी है उस समय से। इस वजह से इसके भाग में भी अंतर हो गया है, इसका विस्तार को कम कर दिया गया है, लेकिन उस समय पर ऐसा नहीं था और ये बहुत पुरानी बात है, इसका इतिहास बहुत प्राचीन है। आज भी ये नदी वहाँ पर मौजूद है और ये जॉर्डन देश और इजरायली देश को जोड़ती है ये नदी, और बहुत से लोग आज इस जगह को विज़िट करते हैं जो मैंने आपको बताया। और 2015 में सब ने इस साइट को माना जो आप पे द्वारा देख रहे हैं कि यही रियल साइट है जहाँ पर यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और जहाँ पर से एलिया उठाया गया और जहाँ पर यरीहो ने डेरे डाले, वो जगह एक दूसरे से कनेक्टेड है। पवित्र आत्मा यीशु मसीह ने इसी जगह पर प्राप्त किया। यरूशलम में तो यर्दन नदी नहीं जाती, इसीलिए इस पवित्र नदी में, जो कि बहुत पवित्र नदी है, इसका इतिहास जो हमने पहले पाठ में देखा, इतनी पवित्र नदी में यीशु मसीह को आना था, क्योंकि ये नदी अदन की वाटिका से निकलती थी, इसीलिए इस नदी के ऊपर एक आदम नगर है जो आप यहोशू की पुस्तक में पढ़ेंगे, वो शहर जो आदम के द्वारा बसाया गया और यहीं पर आदम बसा और मूसा ने यहीं पर दर्शन किया, एलिया यहीं से उठाया गया, एलिशा ने यहाँ पर बहुत से चमत्कार किए और यहोशू ने यहीं से यर्दन को पार किया, इसलिए ये पवित्र नदी है बहुत। इसीलिए यीशु मसीह जब वो 30 साल के थे तब वो नाजरत से इस जगह पर बपतिस्मा लेने को आए। और वो क्यों इस उम्र में यहाँ पर आए, क्योंकि वो तो बचपन में आते थे और 12 साल के बाद भी वो आते थे, और उन्होंने कहा था कि उनको अपने पिता के घर में रहना अवश्य है, किंतु वो इसलिए आए क्योंकि अब उन्हें देह के रूप में तैयार होना था। मेमने की देह जो अब सब लोगों के लिए बलिदान होने वाली थी, जगत के गुनाहों को उठाने वाले थे, क्योंकि अब तक उन्होंने परिवार की जिम्मेदारी उठाई, परंतु अब उन्हें अपने स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूरा करना था जो कि यरूशलम में है, और यहीं पर उन्हें बलिदान होना था। और लोग यहूना के पास पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा लेने आते थे, इसलिए यहूना उन्हें डांटता था और उनके कामों पर उलाहना देता था। और उसने यीशु मसीह को देखकर कहा कि ये वो परमेश्वर का मेमना है जो जगत के गुनाहों को उठा ले जाता है। और यीशु मसीह को देह में तैयार होना था, इसीलिए वो यरूशलम यहाँ से पास है, इसलिए और यरूशलम में यर्दन नहीं आती, इसलिए उन्होंने यहाँ पर यर्दन में बपतिस्मा लिया। वैसे तो गलील में भी यर्दन नदी मिलती है, पर उन्हें यरूशलम में दुख उठाना था, इसलिए उन्होंने इस जगह की यर्दन में बपतिस्मा लिया। तो है ना ये नदी बहुत खास, और यीशु मसीह की कुर्बानी बहुत ही पवित्र जो उसने हमारे लिए की है। और बपतिस्मे के बाद जब आकाश खुल गया और आकाशवाणी हुई कि मेरा प्रिय पुत्र है, तो शैतान भी यीशु मसीह को परखने के लिए यहाँ पर आ गया, और उसने यीशु मसीह को बहुत सताया और बार बार पूछा कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, परंतु यीशु मसीह उस पर जयवंत हुआ और सूली पर चढ़कर उसको हरा दिया, ताकि आप और मैं जयवंत हुई है। मेरे प्रिय, जरूर से बाइबल पढ़ा कीजिए, अपने बाइबल अध्ययन को करिए, जो जो पद आप यहाँ पर देख रहे हैं, और भी पद मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप ज़रूर से पढ़िए और इस पवित्र नदी की तरह अपने आप को पवित्र कीजिए, ताकि परमेश्वर के कार्य आपके बीच में हो सकें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, ज़रूर से चैनल पर बने रहिए, परमेश्वर में बने रहिए। जय मसीह की।